धरती पर लाखों करोड़ों सालों पहले नदियों में दो ऐसे शिकारियों का राज हुआ करता था, जिसके इशारों पर मानो नदियां भी अपनी धारा बदल दिया करती थी, क्योंकि इनके मर्जी के बिना न नदियों में पाए जाने वाले जीव चैन से रह पाते थे और न ही जमीन के जानवर अपनी प्यास बुझा पाते थे। इस प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि पूरी धरती के ये अपने समय काल में सबसे शक्तिशाली जीव हुआ करते थे। भले ही स्थल पर कई डायनासोर का राज हुआ था, पर प्यास उन्हें भी लगता था, गला उनका भी सूखता था। पर कई बार शक्तिशाली डायनासोर्स भी प्यास से मरना तो पसंद करते थे, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं होती थी कि उनका सामना पानी के उस भूत से हो, जिसके चपेट से आज तक कोई नहीं बच सका है। हम बात कर रहे हैं मगरमच्छों के पूर्वज सार्कोसुकस और दुनिया के सबसे शक्तिशाली और विशालकाय सांप टाइटानोबोआ की। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि हम ये जान पाएं कि दोनों दैत्यों में किसकी होगी जीत, कौन है नदियों का असल शिकारी, किसके इशारों पर नदी की पानी अपना रुख बदल देती है। खैर, उम्मीद है आपने वीडियो को अब तक लाइक कर दिया होगा। दोनों की तुलना करने से पहले ये बात जान लें कि दोनों जीवों ने एक दूसरे का चेहरा पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि दोनों अलग अलग समय काल में पाए जाते थे। एक और जहां सार्कोसुकस मिड क्रिटेशियस काल यानी 110 से 90 मिलियन साल पुराना शिकारी था, वहीं टाइटानोबोआ की उत्पत्ति सार्कोसुकस के जन्म से काफी बाद हुई। इस विशाल सांप को पैलियोसीन एरा यानी 60 मिलियन सालों पहले देखा जा सकता था। एक और जहां सार्कोसुकस की आबादी ज्यादातर दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती थी, हालांकि इसकी सबसे विशाल प्रजाति यानी सार्कोसुकस इम्पेराटोर नॉर्थ अफ्रीका के नदियों में तहलका मचाया करते थे। वही टाइटानोबोआ का देहसत कोलंबिया के नदियों में हुआ करता था, इसलिए इतना तो तय है कि दोनों के बीच घमासान कभी नहीं हुई होगी। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों एक ही समय काल में होते, दोनों का राज किसी एक नदी में होता और दोनों के बीच एक खतरनाक संघर्ष होता जिसका अंत दोनों में से किसी एक के अंत के साथ होता। दोनों के आकार की तुलना करें तो सार्कोसुकस निश्चित तौर पर टाइटानोबोआ से थोड़े छोटे हुआ करते थे, क्योंकि इसकी लंबाई महज 40 फीट तक हुआ करती थी। लेकिन वजन में टाइटानोबोआ इसके आसपास भी नहीं ठहरता, क्योंकि एक सार्कोसुकस करीब 8 टन भारी भरकम प्राणी हुआ करते थे, जबकि टाइटानोबोआ के मिले अब तक के कंकालों से ये पता चल पाया है कि ये 42 से 45 फीट विशाल और महज 1 टन से थोड़ा ज्यादा भारी हुआ करते थे। अपने 3 फीट के डायमीटर वाले शरीर से ये कैसे भी जीवों का दम घोट दिया करते थे। दोनों शिकारियों के खाने की आदतों की तरफ गौर करें तो इसमें एक सार्कोसुकस भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को खाने का आदी था, लेकिन इसका पसंदीदा शिकार टर्टल तथा मछली। पर मछली कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि इनका शिकार मोत्सेनियो जैसा 13 से 15 फीट विशाल मछली हुआ करते थे। कुछ तथ्यों का ये भी दावा है कि सार्कोसुकस की भूख जमीन में रहने वाले डायनासोर्स को खाकर ही मिटती थी, इसलिए ये बड़े सातिर तरीके से पानी के अंदर घात लगाकर घंटों तक बैठ जाया करते थे और मौका मिलते ही ये शिकार को दबोच लिया करते थे। वहीं टाइटानोबोआ के मील में काफी कुछ शामिल था, क्योंकि इन्हें नदियों में छिपकर बैठने की आवश्यकता नहीं होती थी, ये जमीन पर भी धीरे धीरे रेंगकर शिकार कर लिया करते थे। यहाँ तक कि टाइटानोबोआ की वजह से ही उस काल के मगरमच्छों की आबादी काफी घट गई थी, क्योंकि टाइटानोबोआ उन्हें देखते ही जिंदा निगलने के लिए तत्पर हो जाया करते थे। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि मादा टाइटानोबोआ नर टाइटानोबोआ तक को नहीं छोड़ती थी। मादा टाइटानोबोआ के भूख के सामने नर टाइटानोबोआ भी सिर्फ एक शिकार मात्र था। बात करें दोनों की रफ्तार की तो वैसे दोनों शिकारियों के वास्तविक गति को जानना असंभव सा है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि एक खारे पानी में रहने वाला सबसे विशालकाय मगरमच्छ जो सार्कोसुकस के आधे आकार के जितना होते हैं वो पानी में 15 से 18 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैरा करते हैं। तो हो सकता है कि सार्कोसुकस की रफ्तार 18 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा हो। टाइटानोबोआ को लेकर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि टाइटानोबोआ की पानी में रफ्तार करीब 12 मील प्रति घंटे की होगी, लेकिन फुर्ती के मामले में टाइटानोबोआ की जितनी तारीफ की जाए कम ही होगी। अपने हल्के तथा लचीले शरीर होने की वजह से ये सार्कोसुकस की एक भी गलती को नहीं माफ करेगा। अगर पानी में सार्कोसुकस अपना पहला हमला सही से नहीं कर पाता है तो टाइटानोबोआ उस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। वहीं जमीन में दोनों का मुकाबला बिल्कुल एक तरफा साबित होगा, क्योंकि टाइटानोबोआ काफी विशाल आकार का है, इसलिए जमीन में इसकी फुर्ती काफी कम हो जाती है।
जबकि शक्तिशाली और आर्मर्ड बॉडी वाला मगरमच्छ जमीन में भी बिजली की रफ्तार से हमला कर सकता है। जमीन में सार्कोसुकस का पहले हमले का छूटना नामुमकिन होगा और इसके जबड़े को देखा जाए तो पता चलता है कि इसके 80,000 न्यूटन की बाइट फोर्स से शायद ही कोई बच पाए। यहाँ तक कि ऐसा भी माना जाता है कि सार्कोसुकस की बाइट फोर्स टीरेक्स के बाइट फोर्स से काफी ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए इसके 130 दांतों के बीच फंसना यानी मौत के चंगुल में फंसने के बराबर है। इसके बाइट को डेथ बाइट भी कहा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि इसके जबड़ों से लगने वाला बल किसी ट्रक के नीचे दबने जितना होता है। इस शिकारी के शिकार करने के तरीकों में ये भी शामिल था कि ये पहले तो पानी में छिपकर घात लगाया करते थे और पानी के ऊपर जरा सा भी हलचल होने पर इसे संकेत मिल जाता था कि शिकार आ चुका है और ये बिना शोर किए अचानक पानी से निकलकर शिकार को दबोच लिया करते थे। अब चाहे इनके दांतों में उस वक्त टीरेक्स भी क्यों न फंसा हो, उसके टुकड़े होना निश्चित है। यही वजह है कि सार्कोसुकस को डर नाम के शब्द से कोई मतलब नहीं था। वहीं टाइटनोबोआ की बाइट फोर्स महज 2000 से 3000 न्यूटन की ही पाई जाती थी, लेकिन ये कभी भी अपने दांतों के सहारे शिकार नहीं किया करते थे। इसके शिकार करने का तरीका ठीक बोआ कंस्ट्रिक्टर की तरह था। ये शिकार के चारों तरफ कुंडली बनाते थे और शिकार के श्वास नली को तोड़कर उसे निगल जाया करते थे। पर क्या यह शिकार करने का तरीका सार्कोसुकस के सामने कोई काम आ पाएगा? अगर एक पल के लिए मान लिया जाए कि किसी तरह इसने सार्कोसुकस के गले को मरोड़कर जान से मार डाला हो, तब भी इसे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जिस काल में ये मगरमच्छ का शिकार किया करते थे उस समय मगरमच्छ महज 10 से 15 फीट तक ही विशाल हुआ करते थे, जबकि सार्कोसुकस कोई आम मगरमच्छ नहीं है। यहाँ तक कि किसी तरह टाइटनोबोआ सार्कोसुकस को मार डाले तो भी इसमें इतनी क्षमता नहीं कि ये सार्कोसुकस के हड्डी को निगल पाए। खैर, दोनों के जंग से पहले दोनों के इंटेलिजेंस की तुलना करें तो दोनों ही रेप्टाइल हुआ करते थे। दोनों की ब्रेन बस इसी तरह से डिजाइंड थी कि ये सो सके, शिकार कर सके और उसे बार बार रिपीट कर सके, यानी इंटेलिजेंस में दोनों अपने अपने जगह ठीक है। दोनों की नेचुरल स्ट्रेंथ की बात करें तो एक और जहां मगरमच्छों का पूरा शरीर ऑस्टियोडर्म से ढका हुआ होता है, लेकिन इसकी गर्दन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। यही वजह है कि कई जंगली जानवर इसका शिकार कर लेते हैं, लेकिन सार्कोसुकस के केस में ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। इसका पूरा शरीर मजबूत ऑस्टियोडर्म के कवच से ढका होता था। इसकी ऑस्टियोडर्म की लेयर इसकी रक्षा तो करती थी, लेकिन इसी वजह से ये काफी ज्यादा भारी हो जाया करता था। लेकिन इसके भी कुछ फायदे थे, जैसे कि ये पानी के नीचे काफी आसानी से रह पाते थे और दुश्मनों पर अपने जबड़ों से अच्छा खासा बल लगा दिया करते थे, इसलिए इसकी कमजोरी त्वचा तो बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन इसकी नजर इसे धोखा दे सकती है, क्योंकि इसे पीछे से हमला करने पर ये ज्यादा कुछ नहीं देख पाते थे और ऊपर से होने वाले हमले को ये नहीं रोक सकते थे। वहीं टाइटनोबोआ की भी कुछ कमजोरियां हैं, जैसे कि ये जमीन में काफी धीमे हो जाते हैं। इसकी त्वचा में उतनी शक्ति नहीं जो सार्कोसुकस के हमले को रोक सके। अगर सार्कोसुकस के जबड़े में ये एक बार फंस गए तो इसकी पूरी बॉडी दो हिस्सों में बट जाएगी। ऐसी स्थिति में जब दोनों के बीच लड़ाई हो तो सार्कोसुकस पर टाइटनोबोआ के हुए हर हमले व्यर्थ हो जाएंगे। यहाँ तक कि टाइटनोबोआ को एक भी हमला करने का मौका ना मिले और उसका काम तमाम हो जाए। हालांकि पानी के अंदर भले ही कुछ देरी के लिए टाइटनोबोआ सार्कोसुकस को परेशान कर सकता है, लेकिन सार्कोसुकस की एक बाइट भी टाइटनोबोआ पर पड़ी तो पूरा जल लहू लुहान हो उठेगा। तो इस लड़ाई में विशाल सांप सार्कोसुकस के आसपास भी नहीं ठहरता। खैर, आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।